जयपुर में नेशनल ताई कमांडो चैंपियन 2003 के फर्स्ट भारत ओपन कार्यक्रम में सभी ऊर्जावान खिलाड़ी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका इस चैंपियनशिप पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आप बड़ी संख्या के अंदर यहां खिलाड़ी ताई कमांडो चैंपियनशिप के लिए आए हैं और आप देख रहे होंगे भारत लगातार खेलों के अंदर आगे बढ़ रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार खेलों में प्रगति कर रहे हैं, मेडल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य अभी बहुत अधूरा है। भारत की जिस तरीके की आबादी है, जिस तरीके हमारा सामर्थ्यवान ऊर्जावान नौजवान है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ है और मानसिक रूप से भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। हमें आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत को हर खेल के अंदर मेडल लेने का हमारा लक्ष्य है और यह लक्ष्य पूरा होगा आप सबके आत्मविश्वास से, आप सबके सामूहिक प्रयासों से और दूर दराज के अंदर गांव में बैठा नौजवान को भी अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए इस तरीके के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए ताकि उसको अपनी प्रतिभाओं को उठाने का उभारने का मौका मिल सके। मैं इस चैंपियनशिप में उन सब खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं जो विजेता होंगे, लेकिन जो विजेता हुए उनको बधाई हो, लेकिन खेल के मैदान में कभी व्यक्ति हारता नहीं है। जो ऊर्जावान खिलाड़ी होता है, जिसमें आत्मविश्वास होता है, जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के सपने होते हैं, उसके लिए वह लगातार प्रयास करता है और एक दिन वो विजेता भी होता है और मेडल भी प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि खेल के मैदान में अगर खिलाड़ी खेलेगा नहीं तो हारेगा जीतेगा क्या। जिंदगी के हर मैदान के अंदर खेल के खिलाड़ियों की भावना से होना चाहिए, वह जिंदगी की हर लड़ाई को जब लड़ेगा तभी तो जीतेगा हारेगा। और इसीलिए खेल के मैदान में खेलने वाले नौजवानों की स्प्रिट हमेशा खिलाड़ियों की स्प्रिट हम सबको प्रेरणा देती है और विशेष रूप से ताइक्वांडो खिलाड़ी तो विशेष रूप से शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। उनमें शारीरिक रूप से मजबूत होने के बाद भी उनकी कला, उनका समय पर निर्णय करना और समय के निर्णय के साथ साथ उसके शरीर में हमेशा स्फूर्ति रहना, ऊर्जा रहना,
ये ताइवान खिलाड़ी के लिए विशेष रूप से होता है, और इसीलिए मेरा मानना है कि ये ताइवान चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी हैं वो इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस खेल को चुना है, जो हमेशा आत्मविश्वास पैदा करता है, जो व्यक्ति के जीवन में हमेशा सामर्थ्य और ऊर्जा पैदा करता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अनुशासित होना, चरित्रवान होना, देशभक्त होना इस खेल के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। और मैं देखता हूं, जब छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, किस तरीके का आत्मविश्वास है, किस तरीके से अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनमें ऊर्जा है, उत्साह है। मुझे आशा है आपकी ऊर्जा, आपकी उत्साह, आपका आत्मविश्वास, आपका लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा और आप इसी तरीके से खेल के मैदान में एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेंगे और यही लक्ष्य बनाकर हर चैंपियनशिप के अंदर खिलाड़ी को उतरना है कि मुझे ही भारत की तरफ से मेडल लेना है और मैं आज नहीं तो कल मेडल लूंगा। इसी भावना के साथ आप खेल के मैदान में आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।